हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर आसिफ साइबर वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें। अहले सुन्नत के लिए आफताब हैं और रात की तारीकी में मसलके आला हजरत के लिए माहताब हैं और सारे जितने लोग तशरीफ रखते हैं गौसो खाजा के चाहने वाले हैं, गौसो खाजा से इश्क रखने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। शाम से लेकर अब तक आप हजरात कितने बार न जाने सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, या रसूल अल्लाह अपनी जबान से आप लोगों ने कहा। सुने एक बात मैं बोलूं, हुजूर क्या फरमाते हैं? हुजूर फरमाते हैं जब कोई बंदा मोमिन एक मर्तबा अल्लाह कहता है, क्या कहता है? जोर से बोलें, जोर से बोलें, अल्लाह कहता है। देखें ये चतुर्वेदी के बोलने का वक्त नहीं होता है। चतुर्वेदी का मतलब होता है जो हमारे हिंदू सज्जन यहाँ पे आए वो मजहब इस्लाम का पैगाम यहाँ से लेकर जाए कि इस्लाम पैगाम क्या देता है। लेकिन इंशाल्लाह मैं आप हजरात के सामने हाजिर आया हूँ, आप भी सुनेंगे इंशाल्लाह। आज का ये जलसा, आज की इस रात को आप कल परसों तक नहीं, कई परसों तक याद रखेंगे इंशाल्लाह। तो मैं ये कह रहा था हुजूर क्या फरमाते हैं जब कोई बंदा मोमिन एक मर्तबा कहता है अल्लाह, तो अल्लाह ताला उस बंदे की तरफ 70 मर्तबा नजरे करम फरमाता है, 70 मर्तबा नजरे करम फरमाता है। और हुजूर फरमाते हैं जब अल्लाह एक मर्तबा किसी बंदे मोमिन की तरफ नजरे करम एक मर्तबा अगर अल्लाह फरमा देता है तो उस बंदे मोमिन के 70 गुनाह को अल्लाह जलाकर राख फरमा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसाल। आप लोगों ने न जाने कितने मर्तबा अल्लाह का नाम लिया है, आपका दिल पाक हो गया है, आपका दिल साफ हो गया है। अभी की तकरीर को समझ के आप जाएं और यहाँ से कुछ लेकर जाएं। आज की तकरीर में कुछ बातें मैं बयान करूंगा और जितने लोग बैठे हैं कोई हिले नहीं अपनी जगह से। मेरी बात समझ में आ रही है आप हजरात को? क्लियर समझ में आ रही है? तो अच्छा देखें, क्योंकि तकरीर समझने का नाम है। आप समझेंगे नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। सुने आज की तकरीर में कुछ बातें मैं बताकर जाऊंगा। सबसे पहली बात आज की तकरीर में मैं ये बताऊंगा, हुजूर ने फरमाया है कि चार लोग दुनिया में ऐसे हैं। कितने लोग जोर से बोले? पूरे लोग, पूरे मजमा बोले। कितने लोग? चार लोग ऐसे हैं दुनिया में कि जब इस दुनिया से वो चले जाएंगे, जब उसका इंतकाल हो जाएगा तो कब्र में जाएगा, आमना के लाल का दीदार नसीब होगा, हश्र में परवरदिगार आलम का दीदार नसीब होगा। हुजूर फरमाते गए चार लोग ऐसे हैं जब इस दुनिया से वो लोग चले जाएंगे अल्लाह उन चारों का हिसाबो किताब न लेगा, बल्कि बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह उसे जन्नत अता फरमा देगा। वो चार लोग कौन हैं? आपको आज समझ के उठना है। और आगे हुजूर फरमाते हैं चार लोग ऐसे हैं जिसको अल्लाह कयामत के दिन जन्नत की खुशबू तक सूंघने नहीं देगा। अल्लाहु सबर। वो चार लोग कौन हैं जिसको कयामत के दिन, और जानते हैं जन्नत की खुशबू जन्नतियों को 1000 साल पहले, यानी जन्नत में जाने का रास्ता 1000 साल अभी बाकी ही होगा, जन्नतियों को जन्नत की खुशबू आने लगेगी। और हुजूर फरमाते हैं चार लोग ऐसे हैं कि जिसको अल्लाह कयामत के दिन जन्नत की खुशबू भी सूंघने नहीं देगा। अल्लाहु सबर। ये हुजूर का फरमान है। तो वो चार लोग कौन हैं और ये चार लोग कौन हैं? आप हजरात को समझ के यहाँ से जाना है। आपने अगर आज की तकरीर समाप्त कर ली मेरी, इंशाल्लाह यहाँ रहेंगे, दिल बाग बाग रहेगा, मचलेंगे, कब्र में जाएंगे, आमना के लाल का दीदार नसीब हो जाएगा। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो शेर पढ़ता हूँ मनकबत के। अभी भाई मसूद उबैदी साहब किबला से आप हजरात समाप्त कर रहे थे और हुजूर सैयद तमीम बाबू तशरीफ रखते हैं माशाल्लाह। मैं दो शेर पढ़ता हूँ और ये नात सुनने से लोग कहते हैं भाई साहब रात भर नात पढ़ो तो होगा क्या, क्या होने वाला है? लेकिन क्यों पढ़ते हैं सुने, हजरत फारूक आजम है। कुछ देर वक्त दे इंशाल्लाह, मैं अपने आप को तैयार कर लूं, फिर वेद मैं इस तरह पढ़ूंगा कि जैसे आज तक आपने किसी चतुर्वेदी से नहीं सुना होगा। आज तो भाई साहब मतलब ये हो गया जो चतुर्वेदी आए हंसा दिया बहुत ज्यादा, मजमे को चतुर्वेदी हो गया।
जी साहब ये मामला हो गया, लेकिन मोइनुद्दीन कादरी आपको तह तक आज पहुंचा देगा कि उसकी किताब क्या कहती है और हमारी किताबें क्या कहती है, और दोनों की किताबों को सामने रखकर फैसला मोइनुद्दीन कादरी न करेगा, फैसला आज खोड़ा के लोग करेंगे इंशाल्लाह। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो हजरत फारूक आजम का दौर है, नात पढ़ने से होता क्या है, सुने तवज्जो के साथ। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के का दौर खिलाफत है, तो जानते हैं आजकल का साहब, हजरत फारूक आजम की आदत मुबारक थी। आवाज समझ में आ रही है भाई साहब? मुझको लग रहा है कि क्लियर समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा इसको हल्का सा कम करें, जब बढ़ाने की जरूरत हो बढ़ा दीजिएगा, हल्का सा कम करें। सुने तवज्जो के साथ, हजरत फारूक आजम है, रात को हजरत फारूक आजम की आदत मुबारक थी कि रातों को गश्त किया करते थे मदीना शरीफ में, और क्यों, ताकि हमारे दौरे खिलाफत में कोई भूखा तो नहीं सो गया है, किसी का बच्चा रो रो कर भूखा तो नहीं सो गया है। साहब वो नेता थे नेता, आजकल का नेता जब तक जीता नहीं इलेक्शन तब तक तो उनको नींद रातों को नहीं आती है, और जिस दिन साहब रिजल्ट आ गया, इलेक्शन जीता, चाहे वो मुखिया बना, चाहे वो एमएलए बना, चाहे वो एमपी बना, जिस दिन वो इलेक्शन जीता, जीतने से पहले उसकी आंखों में नींद नहीं है, लेकिन जैसे ही वो जीतता है इलेक्शन, दूसरी रात को इतना ज्यादा खर्राटे मार कर सोता है, फौरन सुबह उठता है 12 बजे दिन को और कहता है साहब क्या बताएं, आज मैंने सुकून की नींद लिया है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाते हैं कि 4 साल हो गए जब से मेरे कंधे पर खिलाफत की जिम्मेदारी रखी गई है, 4 साल हो गए, आज तक मैंने कभी गहरी नींद लेकर नहीं सोया है। वो नेता थे वो नेता, आजकल के नेता को देखें तो फारूक आजम है, रातों को गश्त कर रहे हैं, एक घर से आवाज आ रही है कुछ गुनगुनाने की, किस चीज की आवाज आ रही है, गुनगुनाने की आवाज आ रही है, फारूक आजम है, कान लगा देते हैं दरवाजे पे, तवज्जो कीजिएगा थोड़ी देर, कान लगाते हैं दरवाजे पे, आवाज अंदर से कुछ गुनगुनाने की आती है, दरवाजे पे दस्तक देते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, जंजीर को हिलाते हैं, अंदर से आवाज आती है, एक खातून आवाज लगाती है, कौन? हजरत फारूक आजम ने फरमाया मैं वक्त का खलीफा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक हूँ। इतना सुनना था, उस बेवा खातून ने दरवाजे को खोला, दरवाजे को खोलने के बाद देखती है फारूक आजम सामने खड़े हैं। सुनिएगा तवज्जो के साथ, आज की तकरीर में माँ बहनों को भी मैं पैगाम देकर जाऊंगा इंशाल्लाह, मेरी माँ और बहन है आप भी आराम के साथ बैठे। उस औरत ने कहा ए फारूक आजम आप 12 बजे रात को क्या यहाँ क्यों तशरीफ रखते हैं? फारूक आजम ने फरमाया ए खातून अभी तुम्हारे घर से अंदर से कुछ आवाज आ रही थी, वो किस चीज की आवाज थी? खातून कहती है मैं सूत काट रही थी, और कहा कि नहीं नहीं ये सूत काटने की आवाज नहीं थी, बल्कि यानी सूत काटने क्या धागा काटने की आवाज। हजरत फारूक आजम ने फरमाया ये धागा काटने की आवाज नहीं थी, और कोई आवाज गुनगुनाने की थी। वो खातून कहती है ए फारूक आजम मैं सूत भी काट रही थी और मुस्तफा की मोहब्बत का तराना भी पड़ रही थी। अल्लाह सबर, इतना कहना था फारूक आजम वो गुरु ने ओला की औरतें थी साहब, जो सूत भी काट रही थी और मुस्तफा की नात भी पड़ रही थी, लेकिन आजकल की औरतों को क्या कहें साहब, ये तो 4-5 अगर बैठ जाए इसे तो चुगली करने से फुर्सत नहीं है, इसे तो कीबत करने से फुर्सत नहीं है, इसे तो दूसरे की बेटी के बारे में ऐब चोरी करने से फुर्सत नहीं है, इसे तो अपने मर्द के अपने शौहर के बारे में जिसकी खिदमत करके ये जन्नत में जाए, बल्कि अपने शौहर को गालियां देने से फुर्सत नहीं है साहब। ये कहां नाते नबी पढ़ेंगी, ये कहां मुस्तफा की मोहब्बत में तराना पढ़ेंगी, ये होता है साहब। लेकिन सुनिएगा वो कुरूने औला की औरत है, वो औरत कहती है साहब हजरत फारूक आजम मैं सूत भी काट रही थी और मुस्तफा की मोहब्बत का तराना भी पढ़ रही थी। फारूक आजम फरमाते गए कि वो नबी की नात जो तू पढ़ रही थी मैं सामने से सुनना चाहता हूँ, तू मुझे सामने से नबी की नात सुना। वो औरत शर्माती है, कहती है ए फारूक आजम मैं नहीं सुनाने वाली। फारूक आजम ने ज्यादा जिद किया और फरमाया औरत
तुम्हें सुनाना ही होगा। आज उमर का दिल चाहता है कि तेरी जबान से मुस्तफा की नात सुना जाए। इतना कहना था ज्यादा। वो औरत कहती है मैं नहीं सुनाने वाली। फारूक आजम ने फरमाया आज तुझे सुनाना होगा, तू सुना दे। आखिर में जब फारूक आजम ने ज्यादा जिद किया तो एक जुमला दे रहा हूँ, सुनना मुसलमानों, आपने रात भर जो नाते नबी सुनकर सुभान अल्लाह कहा है, किस लिए कहा है सुनिएगा तवज्जो के साथ। जब फारूक आजम ने फरमाया ए औरत तू नात सुना, फारूक आजम सुनना चाहता है तेरी जबान से मुस्तफा की मोहब्बत का तराना। वो औरत कहती ए फारूक आजम आप इतना जिद क्यों कर रहे हैं। उस औरत के इस बात को कहने पर फारूक आजम ने फरमाया था ए औरत फारूक आजम इसलिए जिद कर रहा है कि कल कयामत के दिन अगर नात पढ़ने की बरकत से अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा तो नात सुनने की बरकत से उमर मर अल्लाह बख्शिश अता फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, चतुर्वेदी महान, अल्लाह अल्लाह। ये साहब ये औरतें थी। इंशाल्लाह आजकल की औरतों के ताल्लुक से भी बात होगी हमारी। इंशाल्लाह मैं दो शेर पढ़ रहा हूँ, जरा मुलाहजा कर ले। औलादे गौसे आजम तशरीफ रखते हैं, जरा पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। के क्या करूंगा लेके जन्नत, क्या करूंगा लेके जन्नत, क्या करूंगा लेके जन्नत, गौसे आजम दस्तगी। देखिए हम लोग अभी भाई उबैदी साहब नात पढ़ रहे थे, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं अपने बेटे को मुकर्रर नहीं बनाऊंगा। अगर आवाज अच्छी नहीं होगी ठोक ठाक के उसको बिल्कुल शायर बनाऊंगा, कहूंगा शायर बन, इसलिए कि 25,000 नजराना भी मिलेगा और 30,000 छूट भी मिलेगा। हम लोग एक घंटा तकरीर बोलते उबैदी साहब कोई पूछने तक नहीं आता, ऐसा होता है। तो सुनिए लेकिन याद रखिएगा चेहरा देख के थोड़ी ना देते, चेहरा देख के नहीं देते गए, चेहरा देख के नहीं देते कि मसीह उबैदी साहब खूबसूरत हैं तो रुमानुल बारी साहब खूबसूरत हैं, चेहरा देख के नहीं देते, बल्कि क्या देख कर देते गए, बल्कि हजरते इश्क पाक जिसे अपने सीने से लगाते गए, हम उसे अपने सीने से लगाते गए, और जैसे हजरत सैयद तमीम बाबू अपने सीने से ना लगाते गए उसे हम अपनी जूते की नोक से उड़ा देते हैं। अल्लाहु सबद। इसलिए मुसलमान चेहरा देख के नहीं देते, बुजुर्गों की मोहब्बत देख कर देते गए। जरा पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह, इको थोड़ा सा दीजिए। क्या करूंगा लेके जन्नत, गौसे आजम दस्तगीर, क्या करूंगा लेके जन्नत, गौसे आजम दस्तगीर, गौसे आजम दस्तगीर, आप ही हो मेरी जन्नत, गौसे आजम दस्तगीर। और नाना है हजरत मोहम्मद, बाप है मौला अली, के नाना है हजरत मोहम्मद, बाप गए मौला अली, बाप गए जन्नत, गौसे आजम दस्तगीर, माँ तेरी खातूने जन्नत, गौसे आजम दस्तगीर। और ये शेर मुलाहजा कर ले, पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। के अब मेरे ख्वाबों में आ जा, दिल तेरा मुश्ताक है। हजरते हुजूर इश्क के पाक को अपने जहन में बैठाए रखें और ये शेर मुलाहजा करें कि अब मेरे दिल में तू आ जा, दिल तेरा मुश्ताक है। अब मेरे ख्वाबों में आ जा, दिल तेरा मुश्ताक है, दिल तेरा मुश्ताक है, के बस दिखा दो अपनी सूरत,
बस दिखा तो अपनी सूरत हौसे आज़म दस्तगीर माँ तेरी खातूनी जन्नत हौसे आज़म दस्तगीर हरि ओम गजाननम भूत गणा विश्वतम तवज्जंभो फल चारो बच्चन महमासूद बना शिकारी कम नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुरदैश मंगलम पुनरीकशा मंगलम तनो हरि 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 ये है चतुर्वेदीय महान सब लोग इत्मीनान से सुनिए इत्मीनान सुनिए एक किताब हिंदू धर्म में दो तरह की किताबें हैं एक है श्रुति मोबाइल हो तो रिकॉर्ड कर ले इंशाल्लाह आज की तकरीर को आप अगर किसी और जगह जाकर जो हिंदू सज्जन के यहाँ जो हिंदू भाइयों के यहाँ जो उनके बड़े बड़े विद्वान हैं उनके यहाँ आप जाएंगे और उनसे आप पता करेंगे तो उनको खुद मालूम नहीं होगा शायद सुनिए तवज्जो के साथ हिंदू धर्म में दो तरह की किताबें हैं एक को कहते हैं श्रुति दूसरे को कहते हैं स्मृति श्रुति कहते हैं ईश्वरीय वाणी यानी ईश्वर का कलाम उसके अकीदे के मुताबिक मैं बयान कर रहा हूँ उसके धर्म के मुताबिक बयान कर रहा हूँ अगर कोई मुझसे सवाल करे मुफ्ती साहब क़िबला जरा ये बताइए कुरान से बढ़कर कोई किताब नहीं है लफ्ज़े अल्लाह से प्यारा कोई लफ्ज़ दुनिया में नहीं है लेकिन आप औरों की किताब क्यों पढ़ते हैं तो एक ही जवाब होगा इसलिए मैं पढ़ता हूँ अपनी किताब में मुस्तफा का तज़किरा अगर मौजूद हो तो ये तो लोग कहेंगे और तो कहेंगे ये तो कोई बड़ी बात नहीं अपनी किताब का हवाला दे रहे हो लेकिन जब भागवत गीता का हवाला दिया जाए जब उनकी किताब भविष्य पुराण का हवाला दिया जाए जब उनकी किताब मनुस्मृति का हवाला दिया जाए जब उनकी किताब चारों वेदों का हवाला दिया जाए तब ये पता चल जाए कि मुस्तफा की अजमत का तस्केरा मुस्तफा की मर्तबे का तस्केरा मुस्तफा की शान का तस्केरा सिर्फ हमारी किताबों में मौजूद नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी धर्म है हर धर्म में जितने भी ग्रंथ हैं सारी किताबों में मुस्तफा का चर्चा नजर आता है सुनिएगा हिंदू धर्म में दो तरह की किताब एक है श्रुति जिसे कहते हैं ईश्वरीय वाणी क्योंकि समझ के सुनेंगे तब मजा आएगा मंत्र सुनने में एक है स्मृति या श्रुति यानी ईश्वरीय वाणी ईश्वर का कलाम और एक है ईश्वर का कलाम अब स्मृति भी है लेकिन श्रुति की फिर दो किस्म है उनमें से है उपनिषद और दूसरा है वेद उपनिषद की तादाद तकरीबन 108 है जोर से बोले कितनी तादाद है 108 समझ के तकरीर सुने 108 और वेदों की तादाद है 4 कितनी है जोर से बोले उपनिषद की तादाद 104 और वेदों की तादाद सिर्फ 4 सुनिएगा तवज्जो के साथ ये तो उपनिषद की बात हो गई साहब अब आइए स्मृति स्मृति में बहुत सारी किताबें हैं उन्हीं में से है महाभारत महाभारत में क्या चीज का या उसी में से एक किताब है भागवत गीता भविष्य पुराण लेकिन भागवत गीता बहुत ही मोतबर किताब है बहुत ही अजमत वाली किताब उसके धर्म में है लेकिन सुनिएगा उसकी किताब भागवत गीता का भी मैं मंत्र पढ़ूंगा उसी भागवत गीता से एक शाख निकली है उसी भागवत गीता से एक रास्ता और निकला है जिसका नाम है महाभारत भागवत गीता में राम कृष्ण और सीता के लक्ष्मण वगैरह के वाकियात बयान किए गए हैं लेकिन महाभारत में साहब कौरव और पांडव की लड़ाइयों का जिक्र किया गया है तो सुनिएगा तो सबसे ज्यादा मोतबर किताब उसके यहाँ कौन सी है भागवत गीता अब मंत्र सुनिए एक लाइन से और एक एक मैं लफ्ज करके मैं आज उसका अर्थ समझा कर जाऊंगा सुनिए तवज्जो के साथ भागवत गीता किताब का नाम भागवत गीता उसका 10वां चैप्टर है सुनिएगा 10वां अध्याय है उसका एक मैं मंत्र पढ़ने जा रहा हूँ आज जो लोग कहते हैं साहब कि मजहब इस्लाम ने औरतों को कैद करके रख दिया है आज जो लोग कहते हैं कि इस्लाम औरतों को बराबरी का पैगाम नहीं देता है ये देखो तुम्हारी किताब में खुद मौजूद है कि औरतों को जींस पहनना उस वक्त लोग अपनी बेटियों को जींस पहनाएंगे साहब उस वक्त
अपनी बेटियों को टी शर्ट पहनाएंगे जबकि कलयुग का दौर आ गया होगा यानी कयामत करीब आ गई होगी, तब लोग अपनी बेटियों को जींस और टी शर्ट पहनाएंगे, तब लोग अपनी औरतों को बेपर्दा बाजारों में छोड़ देंगे नंगी नाच नचवाने के लिए। लेकिन साहब जरा आइए, मैं उनकी किताब से पेश कर दूं कि उनकी किताब में क्या लिखा है, क्या मजहब इस्लाम जो पैगाम देता है कि औरत बाप पर्दा रहे पर्दे के साथ रहे, क्या ये बातें हमारी ही किताब में मौजूद है या हिंदू धर्म की किताबों में भी मौजूद है? तो सुनिएगा तवज्जो के साथ, आप थोड़ा सा हमारी तरफ लगा दें इंशाल्लाह आज बोलने के लिए मोइनुद्दीन कादरी कलेजी नहीं कलेजा पेश करके रख देगा। जरा सुनिएगा तवज्जो के साथ, जरा अच्छे से सुनिएगा तवज्जो के साथ, उसकी किताब भागवत गीता का पहला मंत्र मैं पढ़ रहा हूँ, 10वां अध्याय 10वां चैप्टर का ये मंत्र है, सुनिएगा। अधरे भवत् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियम्। मैं एक एक करके इसलिए पढ़ता हूँ कि अर्थ समझ में आए, वरना तो मन बताओ उतारम नहीं और तंपम बलतम फलवतम स्वानम शक्ति मासंग्रह, समझ में ही नहीं आएगा भाई साहब जी, समझ में आएगा नहीं। सुने भागवत गीता का मंत्र, अधरे मा भी भवत् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियम्। स्त्रीषु दुष्टाशु वर्षिणे जायते वर्ण शंकर। ये एक मंत्र भागवत गीता का, ये तो 10वां अध्याय का है साहब। अब आइए 12वां अध्याय में क्या लिखा गया। इस मंत्र जो पहला मंत्र मैंने पढ़ा भागवत गीता 10वां अध्याय का जो मंत्र मैंने पढ़ा, इस मंत्र में लिखा गया कि जो मजहब इस्लाम औरतों के बारे में जो पैगाम देता गया वो और कोई मजहब दुनिया में नहीं देता गया। औरतों को जो सम्मान, औरतों को जो मकाम, औरतों को जो हक मजहब इस्लाम दिलाता गया पूरी दुनिया में और कोई मजहब नहीं दिलाता गया, उसकी किताब में लिखा गया साहब। अब सुनिए 12वां अध्याय भागवत गीता किताब का नाम नोट करें, उसकी किताब भागवत गीता में 12वां अध्याय में लिखा गया साहब, सुनिएगा। एक अल्लाह के अलावा और किसी की इबादत करने वाले को, एक अल्लाह के अलावा और किसी की यज्ञ करने वाले को उसकी किताब में भागवत गीता में जाहिल और बेवकूफ लिखा गया है। एक अल्लाह के अलावा उसकी किताब से मैं साबित करूंगा। मंत्र सुनिए, यो मामजमनादिम चवे तिलोक महेश्वरम असम्मूढ समर्तेषु सर्वपापै हे परमुच्यते। ये तो भागवत गीता का मैंने 2 मंत्र पढ़ा। अब आइए साहब भविष्य पुराण 5वां खंड परमाश खंड मंत्र मुलाहजा कर लीजिए। असोमास सुगमारुह देव दत्तम जगतपति असीना साधु अष्टाश्चर्य जगणोमति गृहिणी लगंदा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ बुरीदा लीड गच्छति प्राक्रम पवित्रम गंगा श्लोरम मति पवित्रम 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 पवित्रम। आ रही है क्या? अब नारे तकबीर। अब आइए साहब, आप अगर सोच रहे हैं कि साहब आप तो उनकी बातें बयान कर रहे हैं, अब आखिरी मंत्र सुने उसके बाद खुलासा चालू होगा। हैदराबाद की सरजमीन है, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। हुजूर तशरीफ रखते गए हैदराबाद की सरजमीन है, वहाँ पर एक पंडित रहता है पंडित, लेकिन याद रखें वो पंडित पगड़ी और जुब्बा वाला नहीं है, वो दाढ़ी नहीं बल्कि दाढ़ा वाला गए। हाथों में एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में लोटा और घंटी गए, लेकिन जब चलता गए तो जब चलता गए तो राम राम बोलता गए, और जब बोलता गए तो मुस्तफा मुस्तफा कहता गए बोले सुभान अल्लाह। अब वो हैदराबाद का पंडित है, उसने 20 साल तक मंदिर में जाकर भूतों की पूजा किया गया। जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा, आज औलादे गौसे आजम तशरीफ रखते गए, सुनिएगा। हैदराबाद का पंडित है, 20 साल तक भूतों की पूजा किया गया, लेकिन याद रखें 20 साल से एक मूर्ति से एक भूत से पत्थर के बने हुए भूत से बेटा मांगता रहा, बेटा भी न दे पाया, बेटी जब मांगा बेटी भी न मिली, तो अब क्या हुआ। अब 20 साल तक तो उसने बहुत ज्यादा पूजा किया गया वो पत्थर की बनी हुई मूर्ति की, हैदराबाद की
की सरजमीन है, हैदराबाद का रहने वाला पंडित है, लेकिन उसे किसी ने पता बताया है, अरे पूरी दुनिया में कहां तू चक्कर लगा रहा है, पूरे हिंदुस्तान में चला जा, कहीं तुझे मिलने वाली औलाद नहीं है, लेकिन याद रख 20 साल से तू मांग रहा है, एक आस्ताना तुझे बताता हूँ, एक बारगाह तुझे बताता हूँ, जिस आस्ताने को वो आस्ताना किसी दुनियादार का नहीं है, वो आस्ताने पे चले जा, वो अजमेर की धरती पे चला जा, सुल्तानुल हिंद की बारगाह में चला जा, अताए रसूल की बारगाह में चला जा, साजा गरीब नवाज की बारगाह में चला जा, जब तू अजमेर की धरती पे जाएगा और उनके वसीले से अकीदा ठीक रखेगा, नियत ठीक रखेगा, उनके वसीले से खाजा गरीब नवाज के वसीले से बेटा मांगेगा, अल्लाह बेटा भी अता फरमा देगा, बेटी मांगेगा तो अल्लाह बेटी भी अता फरमा देगा। अल्लाह अल्लाह, अब वो पंडित चला गया और ऐसे ही ना चला गया, बल्कि एक मंत्र पढ़ता हुआ चला गया, सुनिएगा वो मंत्र, सुना दूं? अरे सुना दूं क्या पढ़ता चला गया, जरा पूरा महामहा से बोले सुभान अल्लाह। शरण यदूनि मगा सुख सागरे, अत्यर चार मगा शुभ सागरे, चरणन के गुरु नाम उजागरे, चरणन के गुरु नाम उजागरे, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागरे, ना शिराय में प्रम बैना शब, ना शिराय में प्रम बैना शब, गुरु के दया शुभ नाम सुख सागर, और जय परवश प्रवचन मोहम्मद, नाम शिला शम्मा शुभ नंदन, और जय परवश प्रवचन मोहम्मद, नाम शिला शम्मा शुभ नंदन, और गुरु हर कृपा मनोहर पावे, गुरु हर कृपा मनोहर पावे, अत्यर चार मगा सुख पावे, और जय गुरु नामे नामे कर जय पे, जय गुरु नामे नामे कर जय पे, पीना मोहम्मद पार न होए पे, जय गुरु नामे नामे कर जय पे, पीना मोहम्मद पार न होए। अच्छा आप लोग ये नहीं समझिएगा कि मसूद उबैदी साहब और अबुल बरकात साहब, ये आप लोग क्या मंगाए हैं, मौलाना मंगाए हैं कि पंडित मंगाए हैं, ऐसा नहीं सोचिए, होता है ऐसा। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, ये वाला जैसे ही मैंने मंत्र पढ़ा तो दूर से तो ऐसे ही सुनने में लगता है कि भजन चालू हो गया है। एक लड़का बीच से खड़ा हुआ, जैसे ही मंत्र मैंने पढ़ना खत्म हुआ, मेरा मंत्र पढ़ा हुआ, एक लड़का खड़ा हुआ नारा लगाने लगा बीच से, नारे तकबीर नारे रिसालत पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। ये क्या किया, कहा कि हजरत आप पंडित नहीं है, मैंने कहा अरे मैं तो गौसे आजम का दीवाना हूँ, आला हजरत का बांधने वाला हूँ, ख्वाजा पाक का मस्ताना हूँ, औलाद गौसे आजम से मोहब्बत करने वाला हूँ, बोले सुभान अल्लाह। माशाल्लाह आपने ये मंत्र सुन लिया है तो सुनिएगा तवज्जो के साथ, इसका खुलासा मैं बयान करूंगा। देखें आप यहाँ से कुछ लेकर जाना चाहते हैं, आज की तकरीर में इंशाल्लाह कुछ सीख कर आप जाएंगे। मैंने कहा था सबसे पहले, अब इस मंत्र का खुलासा मैं कर रहा हूँ, सुनिएगा तवज्जो के साथ। सबसे पहली बात, हुजूर क्या फरमाते हैं कि चार लोग ऐसे हैं दुनिया में, कितने लोग जोर से बोले, पूरा मतलब यहाँ से वहां तक बोले जोर से, कितने लोग, चार लोग ऐसे हैं दुनिया में, चार लोग ऐसे हैं कि जब वो इस दुनिया से चले जाएंगे तो अर्श का मालिक यानी अल्लाह ताला उससे हिसाब किताब न लेगा, बल्कि बगैर हिसाब किताब के अल्लाह उसे जन्नती बना देगा, अल्लाह उसे जन्नत अता फरमा देगा। उलमाए किराम दुआओं से नवाजे, वो पहला कौन शख्स है, हुजूर तमीम बाबू के कदमों पे धूल को अपने सर का ताज बनाते हुए पेश कर रहा हूँ, सुने तवज्जो के साथ, क्या फरमाते हुजूर, पहला वो शख्स है, सुनिएगा तवज्जो के साथ, तवज्जो है, पहला कौन शख्स है, हुजूर फरमाते मेरी माँ और बहनें भी सुने, आपके ताल्लुक से बात इसमें आने वाली है, यानी एक आप भी उसमें से हो, हुजूर फरमाते हैं कि पहला वो बेटा कि जब तक माँ बाप दुनिया में जिंदा रहे तो अपने माँ बाप की खिदमत करता रहे, और जब माँ बाप दुनिया से चला जाए तो अपने माँ बाप की कब्र पे जाकर अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ मांगता रहे। हुजूर फरमाते गए कि जब ऐसा बेटा दुनिया से चला जाएगा, हश्र के दिन अल्लाह उसका हिसाब किताब न लेगा, बल्कि बगैर हिसाब किताब के अल्लाह उस
बेटे को जन्नती बना देगा, अल्लाह उस बेटे को जन्नती बना देगा। सुनिएगा, एक तो ये है लेकिन दूसरा कौन है साहब, वो बेटा कौन होता है? इंजीनियर हो किसी का बेटा, लेकिन साहब इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो मास्टर हो, चाहे वो बेटा कलेक्टर हो, लेकिन याद रखिएगा, इंजीनियर अपने बेटे को बाद में बनाए, इंजीनियर और कलेक्टर अपने बेटे को बाद में बनाए, मास्टर अपने बेटे को बाद में बनाए, डॉक्टर अपने बेटे को बाद में बनाए, नेता अपने बेटे को बाद में बनाए, कुरान पढ़ने वाला अपने बेटे को पहले बना दे, मदरसे की चटाई पे बैठकर कुरान की तिलावत करने वाला पहले बना दे। ऐसा होगा तो क्या होगा साहब, आप देखते नहीं गए, एक मास्टर साहब है, कितनी तनख्वाह है साहब, 50,000 रुपया महीना है, एक इंजीनियर साहब है, किसका बेटा है, फला हाजी साहब का बेटा है, कितना कमाता है, 50,000 एक दिन में कमाता है, अच्छा 50,000 कमाता है, एक डॉक्टर साहब है, कितना कमाता है, लोगों के पेट को चाक करता है, और जैसे जानवर को, जानवर के पेट को बिल्कुल, जानवर की जान को जान नहीं समझते लोग, वैसे ही लोग डॉक्टर पेशेंट की जान को जान नहीं समझते, एक एक दिन में जानवर की तरह 50 से 50 से बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं, 40 40 50 50 ऑपरेशन एक दिन में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो मरे उससे मेरा क्या जाता है साहब, लेकिन याद रखिएगा, अब वही डॉक्टर जो एक दिन में 5-5 लाख रुपया कमा रहा है, एक ऐसा ऐसा भी डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टर से पूछिए साहब, क्या आप अपने माँ बाप को खुश रखते हैं, लेकिन वो डॉक्टर बेटा जब पूर्णिया से अपने घर पायसी जाता है, तो उसका बाप डर डर के उस बेटे से, डॉक्टर बेटे से बात करता है, एक मास्टर बेटा जब ड्यूटी से घर जाता है, पूरी माँ उससे डर डर के बात करती है, कहीं मेरा इंजीनियर बेटा नाराज ना हो जाए, कहीं मेरा डॉक्टर बेटा नाराज ना हो जाए, कहीं मेरा कलेक्टर बेटा नाराज ना हो जाए, कहीं मेरा मास्टर बेटा नाराज ना हो जाए। अरे ये तो दुनिया की तालीम है, हाँ हाँ, दुनिया की सिर्फ जो तालीम दिलाएगा उसको तो बेटे से डर के रहना ही पड़ेगा, लेकिन याद रखिए, मदरसे की टूटी हुई चटाई पे बैठ के अगर आपका बेटा कुरान की तालीम हासिल कर लेगा, तो आपको बेटे से डरना ना पड़ेगा, बल्कि आपका बेटा जिंदगी भर डर डर के रहेगा, कहीं मेरी माँ को तकलीफ ना हो जाए, कहीं मेरे बाप को तकलीफ ना हो जाए, ये क्यों, इसलिए कि ये दुनियावी तालीम की बरकत नहीं, ये तो मुस्तफा की मोहब्बत की तालीम की बरकत है। नारे तकबीर, नारे रिसाल, ये बेटा जो जब तक माँ बाप दुनिया में जिंदा रहे और खिदमत करता रहे माँ बाप की, और जब माँ बाप दुनिया से रुखसत हो जाए तो अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ मांगता रहे, ऐसा बेटा जब दुनिया से चला जाता है, हुजूर फरमाते हैं, मेरे बाप की बोली नहीं बल्कि रसूल पाक की बोली है, हुजूर फरमाते हैं कि ऐसा बेटा जब इस दुनिया से जाएगा तो अल्लाह उससे हिसाबो किताब न लेगा, बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह उसे नदी बना देगा। एक तो ये बात, दूसरा कौन शख्स है जरा सुनिएगा, दूसरा कौन है जरा सुना दूं, मैं सुना दूं, दूसरा कौन शख्स है, हुजूर फरमाते हैं दूसरा वो शख्स है जिसकी औलाद ज्यादा हो, जोर से बोले जिसकी औलाद, जोर से बोले जिसकी औलाद ज्यादा हो और आमदनी कम हो, आमदनी कम हो लेकिन कम आमदनी के बावजूद, कम इनकम के बावजूद अपनी बीवी अपने बच्चे के मुंह में हराम का एक दाना कभी ना डाला हो, अल्लाहु सबर। आज औलाद किसे कहते हैं साहब, अगर बेटा हो तो बिल्कुल सबके चेहरे पे पता चलता है कि चांद चमक रहा है, और अगर बेटी हो जाए, इमाम साहब ने अगर पूछ लिया साहब कहाँ जा रहे हैं, इमाम साहब सलाम अलैकुम, अगर इमाम साहब ने पूछ लिया सलाम, कहेगा दिमाग मेरा मत खराब कीजिए, अरे साहब क्या हुआ, कहा जानते नहीं है क्या हुआ, कहा हुआ क्या, कहा अरे सोच रहे थे कुछ हो गई है कुछ, क्या मतलब, यानी बेटी हो तो दिमाग भारी, इमाम साहब को तो ऐसे भी कुछ लोग समझते ही नहीं आजकल, कुछ नहीं समझते हैं, याद रखिएगा, इमाम कौन होता है, इमाम 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 कौन होता है,
आज क्या समझते हैं लोग इमाम साहब के ताल्लुक से, मत बोलिए इमाम साहब के, बिल्कुल कुछ लोगों के जहन में ऐसी ऐसी बात है, जो शख्स रात में बीवी का पांव दबाता है वो शख्स भी जाके सुबह इमाम से ऊंची आवाज में बात करता है ऐसा। हाँ हाँ, ये लोटा इधर क्यों है, ये झोटा इधर क्यों है, ये बधना इधर क्यों है, ये झाड़ू इधर क्यों है, ये तमाम चीजें इमाम इमाम होता है, किसी का गुलाम नहीं होता है साहब, ऐसा होता है। इमाम नमाज पढ़ाता गया आपको, हम और आप क्या समझते हैं इमाम को, इमाम को हम लोगों ने गुलाम समझ लिया है। अभी एक जगह से फोन आया साहब, अभी एक जगह से फोन आया मेरे पास, कहा कि हजरत एक इमाम दीजिए। हमने कहा कैसा इमाम, कहा कि हजरत आलिम, अच्छा आलिम हो और वैसा इमाम दीजिए, लेकिन हाफिज नहीं होना चाहिए। हमने कहा अरे अगर इमाम साहब अगर आलिम हो, मुफ्ती हो, साथ में हाफिज हो, तो ये तो सोने पे सुहागा है, यानी रमजान मुबारक में तरावी भी पढ़ा लेगा। कहा कि यही तो हम लोग नहीं चाहते हजरत, यही तो नहीं चाहते। क्यों? इसलिए कि तरावी अगर पढ़ा लेगा तो ये लोग हर साल ये कौम हाफिज बदले, हर साल हाफिज बदले। क्यों जानते हैं? नए नए अंदाज में कुरान सुनाएगा, नए नए अंदाज में कुरान सुनाएगा। ये कुरान तेरे बाप के घर में नहीं उतरा, ये कुरान नए अंदाज में नहीं पढ़ा जाएगा। नारे तकबीर। हजरात मोहतरम खड़े होकर इस्तकबाल कर लें। देखें मिंबरे नूर पर एक अजीम आलिम दीन की आमद आमद हो रही है, शेख तरीकत हुजूर सैयदी आकाई मौलाई अशा हुजूर कारी सिद्दीक साहब किबला शेखुल हदीस दारुलूम जामिया मुनामिया मितन घाट पटना सिटी तशरीफ रखते हैं। आइए बड़ा एहतराम के साथ इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर। हजरात मोहतरम इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान इश्क पाक, फैजान इश्क पाक, हजरत अल्लामा कारी सिद्दीक साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मोहतरम बैठ जाए, बैठ जाए मोहब्बत के साथ हजरत को देखें। सुने इमाम साहब ने अगर लंबी किरत कर दिया, सुने तवज्जो के साथ बैठ जाएं। उलमा का चेहरा देखें, चेहरा देखेंगे अल्लाह आपको नेकियां अता फरमाएगा। बोले सुभान अल्लाह। उलमा का चेहरा देखना इबादत है। सुने तवज्जो के साथ, इमाम साहब अगर थोड़ी सी लंबी किरत कर दिए, पीछे कुछ लोग दिल में सोचेंगे कि मत अच्छा कर लो, पढ़ा लो, पढ़ा लो, लंबी किरत कर लो, आप कर लो, ईद के बाद तेरा पत्ता नहीं कटवा दिया तब बोल लो, ईद के बाद पत्ता कटवा देगा, ये धमकी किसको दे रहे हैं? अब बताइए, वो आपका इमाम है तो क्या कहा? फोन जमाया, कहा साहब हाफिज नहीं चाहिए। क्यों? हर साल ये हाफिज बदलेगा, नए नए अंदाज में कुरान सुनेगा, ये कुरान नए अंदाज में नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि ये कुरान उसी अंदाज में पढ़ा जाएगा जिस अंदाज में मुस्तफा पढ़ा करते थे, जिस अंदाज में मुस्तफा पढ़ा करते थे। तो कहा हजरत हाफिज नहीं चाहिए। ओ जानते क्यों रुमानुल बारी भाई, जानते क्यों? अगर वो तरावी पढ़ा लेगा, इमाम ही अगर तरावी पढ़ा ले तो 30 से 35 हजार रुपया मिल जाएगा, तो इमाम साहब अमीर नहीं हो जाएंगे। यही तो हम सोचते हैं, हमारा इमाम मालदार ना हो, सबसे बड़ा भिखारी बन के रहे, ये कौम की सोच है। उसको अगर बारसोई जाना हो तो हमसे मोटरसाइकिल मांग के जाए, हमसे बाइक मांग के जाए। आपने क्या सोचा गए? अरे इमाम के बारे में ऐसी ख्याल ना रखे, ऐसा ख्याल ना रखे, इमाम के बारे में ऐसी सोच ना रखे। अरे इमाम के बारे में ये सोच रखे कि आप वहाँ खड़े होते गए जहाँ पे सहाबा खड़े होते थे, और आपका इमाम वहाँ खड़ा होता गए जहाँ पे मुस्तफा खड़े होते थे। जहाँ पे मुस्तफा खड़े होते थे, ये सोच अगर आप रखेंगे। लेकिन याद रखें, ऐसा होता क्या है, ये चाय की दुकान पे सुबह सवेरे अगर इमाम साहब अगर रिकॉर्ड भूल जाए, अच्छा, तो मत बोलिए चाय की दुकान। हजरत चाय की दुकान को मैं चुगली सेंटर बोलता हूँ, क्योंकि जानते हैं जो न्यूज कहीं ना मिले वो न्यूज चाय की दुकान से सुबह सवेरे वायरल हो जाए। बिल्कुल। अरे इमाम साहब सुबह आए, सेक्रेटरी साहब, इमाम साहब आज फजर में रिकॉर्ड भूल गए थे क्या? अरे मुअज्जिन साहब आज सुबह में आप अजान देते देते भूल गए थे क्या? ऐसा होता है ना, मत बोलिए ऐसा लगता है। अब सुने इमाम साहब भूल जाए चुगली सेंटर में जाके वायरल करने वालों न्यूज को, आए एक हदीसे पाक सुने।
मिश्कात शरीफ की हदीसे पाक है, मेरे आका गए, मेरे आका सूरे रूम की तिलावत फरमा रहे हैं, बोले सुभानअल्लाह। अरे पूरा मजमा बोले सुभानअल्लाह। मेरी तकरीर को रंग पकड़ा, इंशाल्लाह मोइनुद्दीन कादरी बोलने की कोशिश करेगा। इस्लाह मुआशरा मुझे टॉपिक दिया गया है, सुने। मेरे आका गए सूरह रूम की तिलावत फरमा रहे गए, सूरह रूम की तिलावत करते करते मेरे आका को मुतशाबहात लग गई नमाज में, बोले मुतशाबहात। आप समझते हैं हाफिज साहब लोगों से, हुफाज़े किराम से पूछिए कि जो लोग तरावी पढ़ाते हैं ना जाने वो लोग, बहुत सारी चीजें चलती है ना, बहुत सारी चीजें। अब जानते गए, अब इमाम साहब जो हाफिज साहब तरावी पढ़ा रहे हैं, उसने नियत बांधी। नियत बांधने के बाद आप जानते क्या क्या होता है? नियत बांधने के बाद पहले सना पढ़ना है, सना पढ़ने के बाद फिर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़नी है, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद अब सूरत पढ़नी है कोई, अब सूरत चलते रहना है, चलते रहना 5 मिनट तक पढ़ते गए, उसके बाद रुकू में जाना है, रुकू से सर उठाया, फिर सजदे में गए, फिर सर उठाया, फिर सजदे में गए, फिर सर को उठाया, अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो गए, फिर सूरह फातिहा पढ़ना है, फिर कोई जहां से छोड़ा वहां से आगे तिलावत शुरू कर देनी है। इतना कुछ ध्यान में चलने के बाद उसके बाद अगर कोई कहता नहीं इमाम साहब रिकात भूल गए था, भूल गए थे क्या, मन करता है ऐसा झापड़ मारे उसको, ऐसा मन करता है, क्या कहें उसको, अगर दम है दो रिकात पढ़ा के देखा तब औकात समझ में आएगी। इमाम इमाम होता गए तो मैं ये कह रहा था इमाम साहब अगर रिकात भूल गए तो कचाई की दुकान पे चर्चा, लेकिन सुने इमाम साहब रिकात क्यों भूलते गए, मेरे मुस्तफा सूरह रूम की तिलावत फरमा रहे गए, मेरे मुस्तफा को मुतशाबहात अचानक लग गई नमाज में, यानी सूरत मिस करने लगे। हुजूर तो नबी मासूम होते गए, नबी से गलती हो ही नहीं सकती, लेकिन कुछ चीजें उम्मत की तालीम के लिए हुआ करती है, बोले सुभान अल्लाह, उम्मत की तालीम के लिए हुआ करती है कुछ चीजें। मेरे हुजूर ने सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद फरमाया मेरी कौम में कैसे कैसे लोग हैं जो अच्छी तरीके से वजू नहीं करते हैं, क्या फरमाया, अच्छी तरीके से वजू नहीं करते हैं, जिसकी वजह से मैं नमाज में सूरत मिस कर रहा हूँ। दुनिया के सबसे बड़े हाफिज मुस्तफा, दुनिया का सबसे बड़े इमाम मुस्तफा, इतने बड़े इमाम के इमामुल अंबिया का खिताब मुस्तफा को, दुनिया के सबसे बड़े हाफिज मुस्तफा, इतने बड़े हाफिज के और तो कुरान सुन सुन कर याद करते गए उस्ताद से, लेकिन मुस्तफा इतने बड़े हाफिज है कि रहमान से सुन के कुरान को हिफ्ज कर लिया। दुनिया के सबसे बड़े हाफिज मुस्तफा, सबसे बड़े इमाम मुस्तफा नमाज में सूरत मिस कर रहे हैं, क्या फरमाया मुस्तफा ने, मेरी कौम में कैसे कैसे लोग हैं जो जो अच्छे तरीके से वजू नहीं करते हैं, जिसकी वजह से मैं नमाज में सूरत मिस कर रहा हूँ, यानी मैं भूल रहा हूँ। हालांकि नबी तो मासूम होते, मैंने पहले ही कह दिया कुछ चीजें उम्मत की तालीम के लिए हुआ।